नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड देयर आर 16-17 पार्टिसिपेंट्स आर कनेक्टेड. अभी हमारे पास 16 पार्टिसिपेंट कनेक्टेड हैं और आज का क्वेश्चन है, टुडेस क्वेश्चन क्या है, द क्वेश्चन इज मारिया इन्वेस्ट रुपीज 8,000. मारिया इन्वेस्ट रुपीज 8,000 इन अ बिजनेस. मारिया ने जो है 8,000 रुपीज इसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया. ओके, एंड सी वुड बी पे इंटरेस्ट एट 5% पर एनम. वो जो है 5% पर एनम के हिसाब से कंपाउंडेड एनुअली वो जो है पे करती. ठीक है, हमें वी हैव टू फाइंड द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. तो हमें बताना है कि सेकेंड ईयर के एंड में उस पर कितना अमाउंट उस पर क्रेडिट होगा एंड द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर. तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर. थर्ड ईयर का हमें इंटरेस्ट भी फाइंड करना है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला काम है द प्रिंसिपल अमाउंट. वो अमाउंट है जो कि जितना उसमें इन्वेस्ट किया गया. ठीक है, तो इन्वेस्ट कितना किया है 8,000. तो रुपीज 8,000 इसने इन्वेस्ट कर. ठीक है, एंड उसके बाद जो है रेट जो दिया गया है आर इक्वल टू 5%. 5% के रेट से वो जो है इन्वेस्ट किया जा रहा है. ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. एन इज इक्वल टू कितना दिया गया है, एन इज इक्वल टू सेकेंड. ठीक है, सेकेंड ईयर दिया गया है. द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट भी निकालना है. अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं. अभी एक भैया की क्वेरी आ रही है, ये ध्रुव राजपूत. बोलिए बेटा ध्रुव राजपूत. द वीडियो इज नॉट क्लियर. वीडियो इज नॉट क्लियर, योर नेटवर्क कनेक्शन इज स्लो. फिर आप जो है डिस्कनेक्ट करें, उसके बाद रिकनेक्ट करें, आप सही हो जाएगा. ओके, नाउ स्टैंड्स हियर. We know that the amount A is equal to P bracket में 1 plus R by 100 की power N. So here that is equal to P is 8,000 and 1 plus rate is 5 by 100 की power 2. So here 8,000 into 105 by 100 into 105 by 100. तो हमने इसका क्योंकि पावर 2 था तो हमने जो है 2 टाइम्स को मल्टीप्लाई किया और ये हमारे पास दो जीरो हमारे ये कट गए, एक जीरो हमारा ये कट गया और अब हमारे पास जो है एक फार्मूला 4840 into 105 और डेसिमल चाहो तो यहाँ पर डेसिमल आप लगा सकते हैं. ठीक है, अब इसके बाद जो है हम इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट द वैल्यू इज 8,820. 8,820 रुपीज जो है यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आपकी आ गई. तो अब आपने देखा कि ये जो अमाउंट है ये अमाउंट 2 साल के अंत में जो है इस पर क्रेडिट हो रहा. ठीक है, अब हमें बात करनी है, वी हैव टू फाइंड हमें जो है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर. थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है. ठीक है, तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, दिस इज द फर्स्ट आंसर. अभी मैं आपको समझा रहा हूं. एंड सेकेंड बोला है अब इस अमाउंट का, ये जो अमाउंट है इस अमाउंट का अब अगले साल के लिए 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं. तो यहां पर हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई में 100. तो आपके लिए इसके लिए प्रिंसिपल कितना हो गया 8,820 इंटू रेट की वैल्यू आर आपके पास कितना है 5, टी की वैल्यू हमारे पास 1 और यहां पर हमारे पास बाई में क्या हो गया 100. तो ये हमारे पास जो है 0 से 0 हमारा ये वैल्यू कट गया. अब हम यहाँ से 5 से इसे कट करेंगे 2 बार में, 2 से कट करेंगे 441. तो हमारे पास हो जाएगा रुपीज 441 इज द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर. अब देखिए हम याद तो दो तरीके थे, हम पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का निकाल लेते. ठीक है, 3 साल का इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालता है, लेकिन हमें क्या निकालना है
थर्ड ईयर केवल तीसरे साल का इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना। तो थर्ड ईयर के लिए हमने इस प्रिंसिपल पर एक साल का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया, वो आपका आंसर हो गया 441। दिस इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वे अपना हैंड रेज करें, उन्हें अनम्यूट किया जाएगा और उनसे जो है एक आया है ध्रुव राजपूत भैया। ध्रुव राजपूत बोलिए बेटा। सर ये आपने सर जो लिखा है 8820 सर, ये कैसे आया समझ नहीं आ रहा। इस तरीके से आया? यस सर। नहीं, ये तो अमाउंट है सेकेंड ईयर का। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो सेकेंड ईयर का क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर का निकाल लिया। अब जो है इस ये वैल्यू जो है इस वैल्यू का पर जो है अगले साल जो थर्ड ईयर है, तीसरा साल है, उस साल में कितना, क्योंकि एक साल में हम सिंपल इंटरेस्ट निकाले और या आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले कोई फर्क नहीं पड़ता। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट, एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 8820 का हम जो है सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। एक साल का टाइम हमने 1 रखा है थर्ड ईयर के लिए, ये दो साल का तो निकल चुका है, अब थर्ड ईयर के लिए हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल करके आंसर आपका दे दिया। क्लियर हुआ? ओके सर। हाँ यस सर। तो ये जो है हमारे पास जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम काम करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम जो है खुद ब खुद दूर हो जाती है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हियर द क्वेश्चन नंबर 8 इज, 8 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है उसको भी आप थोड़ा सा समझें, देखें सुनें। लिखा है इसमें हियर फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 10,000 for 1.5 year at 10% per annum compounded half yearly and would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually। देखिए पहले तो जो दिया गया होता है उसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसे लिख लेते हैं। So here the principal amount is rupees, ये है 10,000 rupees, ठीक है 10,000 हो गया। और टाइम जो दिया गया है यहाँ पर जो है n is equal to 1/2 year, तो इसको हम से 2 × 2 = 1 कितना हो जाएगा 3/2 year। और इसके बाद जो रेट दिया गया है, रेट इज इक्वल टू, तो हमारे पास कितना है 10%, 10% का रेट दिया गया। अब बात दरअसल ये आ रही है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हमारे पास जो n हो जाएगा वो जो है 3/2 × 2 = 3 और जो हमारा r हो जाएगा 10/2 = 5%। जब हाफ ईयरली का मामला होता है तो हम वहां पर टाइम को डबल कर देते हैं, रेट को हाफ कर देते हैं। टाइम विल बी डबल, रेट विल बी हाफ इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो हम यहाँ पर जो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा अमाउंट a इज इक्वल टू b ब्रैकेट में 1 प्लस ये r by 100 की पावर में n, तो p कितना हो गया 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 5/100 की पावर में 3, that is equal to 10,000 into 105/100 105/100 × 105/100, तो ये हमारे पास जो है 10,000, this is 10,000, 40 हमारे जो है इसके 40 से हमारे क्या होंगे कट है, ठीक है। अब इसके बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 105 × 105 × 105 / 100, तो जब हम इसको सिंपल करेंगे तो ये हमारा हो गया 11,576.25 / 100। अब डेसिमल जो है हमारे पास टू प्लेस पर हम इसको प्लेस कर देते हैं, तो दैट इज इक्वल टू रुपीज 11,576.25। तो ये हमारा क्या निकल गया, अमाउंट निकल, ठीक है। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस पी, अमाउंट 11576.25 माइनस पी कितना है 10,000। अब हमारे पास हियर द 1576.25, ये हमारे पास जो है ये हमारा जो है क्या है, दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमारा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट,
ठीक है। अब बारी आ रही है दूसरा चीज पूछा गया है कि would this interest be more than the interest would have gained if it was compounded annually? तो आपको एक चीज मैं बता दूं बेटा कि यहाँ पर लिखा है कि the amount for 1 year and 6 month can be calculated by the first calculating amount. 1 year के लिए पहले हम जो है निकालेंगे compound interest formula से and calculate simple interest for जो है हमारे पास जो simple दिया गया है। तो first year जो है हम यहाँ पर check करके इसको भी देखना है। आइए मैं दिखाता हूँ। एक आंसर आपका ये हो गया। और यहाँ पर if compounded annually, अब annually की बात करते हैं। annually में तो हमारे पास जो है n equal to 1 and 1 by half और यहाँ पर आपका p is equal to हो गया 10,000 और rate आपका जो है हो गया हमारे पास 10%। तो हमारे पास पहला amount होगा 1 year के लिए p bracket में 1 plus r by 100 की power n that is equal to 10,000 into 1 plus 10 by में 100 की पावर में यहाँ पर 100 कट गया 10000 into 11 by में 10 ये हमने 0 कट कर दिया क्या आ गया 11,000 रुपीस। तो इसका एक साल का आ गया अमाउंट। इस अमाउंट का हम 6 मंथ का निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर तो यहाँ पर हो जाएगा p into r into t by में 100 तो p आपका कितना है 11,000 और into rate आपका है 10 और t आपका दिया गया है हमारे पास है 1 by में 2 that is equal to 100 दो जीरो से दो जीरो कट गए ये हमारे पास कितना हो गया 5 ये हो गया 550 रुपीस। तो total amount 11,000 में 550 को हम प्लस करेंगे 11,550 ये हमारे पास अमाउंट होगा। अब देखो बच्चों हाफ ईयरली जब कर रहे हैं तो 11,576 मिल रहा है और जब एनुअली कर रहे हैं तो हमारा 11,550 आ रहा है। तो पूछा गया है कि इंटरेस्ट मोर देन द क्या इसमें इंटरेस्ट है ज्यादा है तो यहां लिखेंगे यस यस हाँ हाफ ईयरली जो है फर्स्ट ईयर हैज द देखिए हाफ ईयरली में आप देख रहे हैं ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दो इसको कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 11,550 में से ये हमने जो है 10,000 को माइनस कर दें तो 1550 हमारा इंटरेस्ट आ रहा है। तो यहां पर हम देखेंगे कि हाफ ईयरली इज greater than annual interest half yearly का interest annual के interest से ज्यादा है 1576 है 1560 है से 50 है तो ये हमारे पास से हमसे पूछा गया तो दोनों निकाल करके compare कर लिया। एक query आ रही है भैया की हमारे ध्रुव राजपूत भैया बोलिए सर जब आपने सर यहाँ पे हाफ ईयरली का निकाल दिया सर आपने दोबारा क्यों निकाला यहाँ पे दोबारा क्यों निकाला बिल्कुल सर यहाँ पर हमने जो है ये हाफ ईयरली क्वेश्चन में पूछा गया है ना पहले तो पूछा है कि हाफ ईयरली अगर कैलकुलेट होगा तो आपको जो है इसमें अमाउंट बताना है तो हमने हाफ ईयरली कैलकुलेट हुआ तो अमाउंट हमने निकाल दिया ये हमारा जो है पहला आंसर है ठीक है। एक चीज ये पूछा गया है फिर दोबारा बोला गया है कि वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली क्या ये इंटरेस्ट ज्यादा है कब जब उसे एनुअली कैलकुलेट किया गया होता तो यानी एनुअली हम जब निकालेंगे तो हमारे पास जो इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट से क्या हाफ ईयरली निकालने पर इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है ये हमें चेक करना है ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जब हाफ ईयरली हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट 1576.25 आ रहा है और जब हम एनुअली इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1550 हमारा आ रहा है तो ये जो है एनुअली वाला इंटरेस्ट हमारा कम है हाफ ईयरली वाला इंटरेस्ट हमारा ज्यादा है तो वह जो है हमें जो बताना था हमने इसको बता दिया और इसे वेरीफाई कर काम जब इतना क्वेश्चन में कहा जाता है बेटा उतना पूरा काम जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को
और कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं बेटा, बेझिझक निसंकोच। तो अब हम बात करते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप जो है हैंड रेज करें, आपको अनम्यूट किया जाएगा, क्योंकि बेटा सबको अनम्यूट करने पर शोर होता है और जो है आवाजें सबको सुनाई देती है, इसलिए जो है थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन रहे। इस वजह से जिनको क्वेरी है उन्हीं को मैं अनम्यूट करूंगा और उनसे पूछ करके उनको जो है, क्योंकि सबके पास ऑप्शन है हैंड रेज का, तो कोई भी अपना हैंड रेज कर सकता है उससे, और जितने बच्चों के हैंड रेज होंगे उन सभी की क्वेरी मैं लूंगा ही लूंगा, ये कंपलसरी है। तो अब बात करते हैं इसमें कि हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है यहाँ पर है 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या है इसको भी थोड़ा सुने बच्चों ध्यान से। 9 में कहा गया है कि हमारे पास जो है फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन रुपीज 4096, ही गेव इट फॉर 18 मंथ एट 12 होल 1/2% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब एक इसमें ये क्वेश्चन है, अभी तक जो नेम आ रहे थे वे मुस्लिम नेम आ रहे थे, उसके बाद जो है कुछ जो है क्रिश्चियन नेम आए, अब थोड़ा सा राम पर इन्होंने जो है कंसंट्रेट किया है, भगवान पर आए हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे और इसको ध्यान से हम देखते हैं। तो स्टूडेंट लिखा है कि फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन रुपीज 4096। तो प्रिंसिपल इज क्या है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज 4096 ये हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है। 18 मंथ का क्या होता है, टाइम जो हमारा दिया गया है 18 मंथ, और यहां पर रेट जो दिया गया है, रेट इज इक्वल टू 12 होल 1/2%, दैट इज इक्वल टू 25/2%। तो हम इसको ले लिए। अब ये बोला गया है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली द इंटरेस्ट, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में एल जो हमारा होगा वो जो है, ये हमारा 18 मंथ का मतलब क्या हुआ, 1.5, यानी दैट इज इक्वल टू 1 ईयर हाफ ईयर। तो दैट इज हमारे पास 2 और 2 कितना हो गया 3/2 ईयर। तो हम इसको डबल कर देंगे, 3/2 × 2, 2 से 2 कट गया, दैट इज इक्वल टू 3, and r is equal to rate by में 2, that is equal to 25 by 4%। तो रेट को हमने क्या किया, इसमें हाफ कर दिया और टाइम को हमने इसमें डबल कर दिया। अब बारी आती है, we have to find the amount, the amount is here, amount is equal to p bracket में 1 + r/100 n, so that is equal to p amount, a is equal to p कितना है 4096 bracket में 1 + r हमारा हो गया 25/100, यानी 400 डालेंगे और power हमारा कितना हो गया 3। तो अब हम बात करते हैं इसमें कि 25 4 जा 100 होता है, 8 बार में 200 होगा और 16, यानी हमारे पास ये हो जाएगा आपका 25 से कट गया कितनी बार में, 16 बार में। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 4096 × 17/16 × 17/16 × 17/16, 3 बार है, हमने 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई किया। अब बारी आती है इसको सिंपलीफाई करने की, तो यहाँ पर हमारे पास जो है हम थोड़ा सा इसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने में आप देखिए, तो आपको 2 से 2 जा, फिर 2 से 2 जा 4, 0 2 4 जा 2 8, फिर 2 से कट करेंगे ये 4 बार में, फिर 2 से 1 0 2 4, फिर 2 से कट करेंगे ये 2 बार में, फिर 2 से 2 5, यहाँ पर आपके पास जो है 1 2। अब इसके बाद फिर 2 से हम कट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 2 जा 4 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12 256। और हमारे पास हम जानते हैं 16 का जो स्क्वायर हमारे पास है, फिर से यहाँ पे
तो ये हमारे दोनों 16 से ये पूरा कट जाएगा, दैट इज इक्वल टू 17 इनटू 17 इनटू 17, इट इज इक्वल टू रुपीस 4913। तो ये जो है हमारे पास क्या है, उसका अमाउंट होगा। ठीक है बच्चों, ये उसका क्या होगा, अमाउंट। कैलकुलेशन जो है आप अपने अकॉर्डिंग इसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने ही कट किया है, कैलकुलेशन मैंने अपने हिसाब से किया है तो आप ऐसे ही लिखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं इसको दूसरे मेथड से करेंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 4913, तो फाइंड द अमाउंट, तो यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट ए इज इक्वल टू रुपीज 4913 इज द दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये हमने जो है इस क्वेश्चन को आसानी से कर लिया। किसी के मन में कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा, इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली टाइम विल बी डबल, रेट विल बी हाफ। इसे दिमाग में पूरी तरह से बैठा लें, इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली टाइम विल बी डबल, रेट विल बी हाफ। अब डबल कैसे याद रहेगा आपको, ए हाफ ईयरली क्या होता है, एक साल में हाफ ईयरली दो बार होता है, यानी कि दो बार है तो टाइम एक की जगह दो हो गया, यानी डबल हो गया। तो रेट को हमें क्या करना है, हाफ करना है। अगर मेमोरी में ऐसे आप रखेंगे तो आपसे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये भैया सार्थक छिल्लर कुछ पूछना चाह रहे हैं, सार्थक भैया बोलिए। सर अभी आपने दिखाई नहीं दे रहा ठीक से आपका लिखा हुआ। हाँ बेटा एक्चुअल में अभी इसकी रिकॉर्डिंग भी चल रही है, नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा सा जो है ये जो इमेज होती है ना ब्लर्ड होती है, यानी कि थोड़ा फैल जाती है, तो आप उसके लिए परेशान ना हो। अगर नहीं दिख रहा है मैं बोल भी रहा हूँ, और कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं, और ये वीडियो आप तक मैं भेज दूंगा, आप इसमें से आराम से इसको जितनी बार चाहे उतनी बार देखें, वहां पर ये जो ब्लर्ड नहीं आएगा और आसानी से आप इसको देख पाए। मैं इसको ओके सर। ओके जी सर जी। हाँ अब मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा, और भी प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, क्वेश्चन में समझने में चीजें जो है, यानी ऐसी चीज यानी कि जो कि आपको ना पता चल रही हो, समझ में नहीं आ रही, तो वो मैं इसको समझा सकता हूँ, टू टाइम थ्री टाइम समझा सकता हूँ, ये मेरा काम। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन इज, पहले तो मैं इसको साफ कर दूं यहाँ पे, ताकि जो है यहाँ पर कुछ लिखा जा सके। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आसानी से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं उसको आप सुने। लिखा है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस, किसी जगह की पॉपुलेशन। देखिए क्या हमारे धरती पर जो है पहले तो हर सेकंड में एक बच्चे का जन्म होता है, यानी पॉपुलेशन हमारे अर्थ की हमारे देश की बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना। और जितने तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तेजी से रिसोर्सेस नहीं बढ़ रहे, ठीक है। तो हमें जो है थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना चाहिए, और अभी अभी जो है जितनी भी यूपी की गवर्नमेंट है, हमारे देश की गवर्नमेंट है, ये सब जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो है बहुत सारी पॉलिसी पर विचार कर रही है, ठीक है। कि अगर मान लीजिए कि आपके पास आप जितनी प्रॉपर्टी है, आपके अगर चार बच्चे होंगे तो वो सारी प्रॉपर्टी चार बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, चार बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो सबके हिस्से में वन फोर्थ पोर्शन आएगा। लेकिन जब उन चारों बच्चों के जब शादी होगी, उनके भी चार चार बच्चे होंगे, तो उस वन फोर्थ के जब चार हिस्से होंगे बेटा, तो आप सोचिए कि उनके हिस्से में कितना कितना पोर्शन आएगा। तो ये चीजें जो है, ये समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, यानी कि जो है खेती करने लायक जो जगह थी, जो स्पेस थी, वो तो फिक्स है, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन जो है जब लोग बढ़ेंगे तो आप घरों से निकल करके बाहर जो खेती वाली जमीनें थी उन जमीनों पे आप घर बनाने लगे, तो खेती की जमीनें भी कम होती जा रही हैं, यानी अनाज वगैरह जो है कम उत्पादन हो रहा है, और हम खाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक समय एक ऐसा स्थिति आएगा कि जो है हम केवल हम ही रह जाएंगे, कोई जगह नहीं बचेगी जहां पर खेती हो सके। तो इसलिए थोड़ा सा इस पर भी जो है हम लोग को अवेयर दिखना होना चाहिए। तो क्वेश्चन के अनुसार हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं, द पॉपुलेशन ऑफ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003।
2003 में किसी जगह की पॉपुलेशन जो है 54,000 थी, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम के हिसाब से वह जो है वहां पे बढ़ने लगी। तो लिखा है फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, 2003 यानी बाद की पॉपुलेशन तो दी गई है लेकिन जो है वो हमें पीछे जाना है। देखो बच्चों, हम जब जो हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले में एक खास बात यह है कि हम जो है बाद की चीजों को फाइंड करते हैं, यानी एक साल बाद इंटरेस्ट क्या होगा, दो साल बाद इंटरेस्ट क्या होगा। अगर हमें बैक वैल्यू निकालनी है, बैक की वैल्यू, तो हमें इसको कैसे कहा कि फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। तो 2003 में हमारी पॉपुलेशन कुछ और थी और 2001 में हमारी कम होगी कि पॉपुलेशन ज्यादा होगी, बोलो बच्चों। मैं थोड़ा सा आपको मैं एक मौका देता हूं, आप मुझे थोड़ा सा समझ के बताइए। हाँ, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया, कोई भी बोल सकता है। 2003 में पॉपुलेशन 54,003 होगी तो 2001 में पॉपुलेशन उससे कम होगी कि या ज्यादा होगी? कम होगी, कम होगी ना। तो अब आप देखिए कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे तो 2 साल का 2 ईयर का, तो आप देखेंगे कि वो तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूले में एक चेंज करते हैं, अगर हमें बैक का निकालना होता है तो वहां एक फार्मूले में आइडेंटिटी में चेंज होता है, उस चेंज को मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको देखें। तो यहाँ पर हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर जो 10 है, 10 क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल दिया गया है वो है आपका 54,000 रुपीज, और जो है यहाँ पर रेट दिया गया है आर इक्वल टू ये है 5%, और हमारे पास यहाँ पर 2000 ये 3 में मामला है, ये पॉपुलेशन है, वी हैव टू फाइंड 2001 में हमें निकालना है। 2001 से कितने साल पीछे जाना पड़ेगा बच्चों? 2000 से कितने कितने साल पीछे जाएंगे कि 2001 आ जाएगा? सभी लोग अनम्यूट है, कोई भी बोल सकता है। ये आप देखिए 2003 से ये 3 है, फिर 2003 से हम जो है आगे बढ़े, पीछे आए, 2000 हमारा 2, 2000 हमारा 1, 2001 में हमारे 2 साल पीछे जाना पड़ेगा, तो n की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 2 ईयर। लेकिन ये घटने का मामला होता है तो फार्मूला हमारा होता है a इक्वल टू p ब्रैकेट में 1 माइनस r बाई 100 की पावर n। देखो बच्चों, मैंने पॉपुलेशन में यहां माइनस का साइन लिखा, माइनस का साइन कब लिखते हैं, यहां बीच में प्लस का साइन कब लिखते हैं, इसको थोड़ा समझिए। जब कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो यहां पर प्लस का साइन लगता है, और जब कोई भी क्वांटिटी हमारी डिक्रीज होती है, घट रही है, तो यहाँ पर हम कौन सी साइन लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास हो गया अमाउंट P is equal to 54,000 ब्रैकेट में here 1 माइनस रेट इज 5 बाई 100 की पावर में 2। अब हम यहाँ देखेंगे 5 से हम इसको कट करेंगे, कितनी बार में कटा ये 20 बार में, 54,000 into, अब 21 यहाँ पे 20 में से हमारा जो है ये वैल्यू माइनस होगा। तो अब यहाँ पर एक चीज देखो बच्चों, ध्यान देखने वाली बात है, ये हमारे पास हो जाएगा 20 माइनस का 1, सॉरी टू से 20 माइनस 1 बाई में 20 की पावर 2। हमने जो है इसे आप उसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं 54,000 into 19 by में 20 into 19 by में 20, दो जीरो से हमारा जो है दो जीरो कट गए, 2 से ये हमारा कटा, 2 जा 4, 2 7 जा 14, और यहाँ पर 0, फिर 2 से ये कटा, 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 135, that is 135 into 19 into 19, that is equal to 48,979, ठीक है। और ये हमारे पास जो है 2001 में जो पॉपुलेशन थी
हम इसको एक बार मैं फिर से कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, एक बार चेक करिए बच्चों कैलकुलेशन सही है। ये कैलकुलेशन एक बार आप सभी थोड़ा सा चेक कर ले बेटा। मल्टीप्लाई करिए सर जी, जितना हो रहा है पहले मल्टीप्लाई बोलेंगे। हियर 135 इनटू 19 इनटू 19 745। ये आपका आंसर। तो ये पहला हमारे पास द वैल्यू इज फर्स्ट आंसर। तो सर एक में 2001 में पॉपुलेशन इसकी यहाँ पर 48,735 इतनी हो गई। अब हम बात करते हैं इसके बाद जो है पूछा गया, इसी में सेकेंड भी पूछा है बच्चों, बैंक के केस में हम जो है रेट में यहाँ पर चेंजिंग कर देते हैं और यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास ही में सेकेंड पार्ट पूछा गया है। सेकेंड पार्ट पूछा गया है किसमें? 2005 में। 2005 तो ये हमारे पास 2005 में, तो अब हमारे पास कितने साल में आगे जाना पड़ेगा? 2005 इसको थोड़ा सही से लिख दे रहा हूं बेटा, 2005 में। तो 3 में पॉपुलेशन थी, 3 से पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो 3 में 2 साल हम आगे जाना पड़ेगा। तो हमारे पास जो है एनपी वैल्यू 2, तो हम यहां पर लिखेंगे अमाउंट ए इज इक्वल टू बी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई में 100 की पावर एन, दैट इज इक्वल टू 54,000। 1 प्लस रेट हमारा कितना है 5 बाई 100 की पावर 2, 5400 इंटू 5 से 20, दैट इज इक्वल टू 21 बाई 20 इंटू 21 बाई 20। और हमने जो है जीरो से जीरो हमने जो है यहाँ पे कट किया और यहाँ हमारे पास ये टू से ये भी कट हुए, तो ये हमारे पास 135 आ गया। 135 इंटू 441 दैट इज इक्वल टू 135 में 441 से हमने बचा 535 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। एक बार इसको चेक करें बच्चों, हियर द 135 इनटू 441 ओके करेक्ट आंसर है। एक बार आप लोग भी इसको जो है देखिए, जो भी मैं मल्टीप्लाई वगैरह करता हूं आप उसको वेरीफाई जरूर करें, खुद से करके देखें कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भैया इसमें जो है तेजस चौधरी कुछ मुस्कुरा रहे हैं, तेजस चौधरी कुछ बोलिए। तेजस चौधरी सर मैं सीरियस था, सभी क्वेश्चन बहुत हार्ड लग रहा था, आसान नहीं हार्ड लग रहा था। देखो सिंपल, लेकिन 2 साल पहले की पॉपुलेशन पूछ रहा है और 2 साल बाद की पॉपुलेशन पूछ रहा है, काम बिल्कुल सेम है। आइडेंटिटी में एक जगह यहाँ पर ये माइनस का साइन हो गया और एक जगह ये प्लस का साइन हो गया। जब पहले का पूछा जाएगा तो फार्मूला ये लगा देंगे, सब कुछ सेम रहेगा, और जब बाद का पूछेगा तो यहाँ पे प्लस साइन लगा देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। टू ईयर पहले तो 1 माइनस आर बाई 100, और 3 से 2 साल आगे जाएंगे तो हमारे पास 2005 आएगा। तो पहले के लिए आइडेंटिटी लगाएंगे 1 माइनस आर बाय 100 और बाद के लिए आइडेंटिटी लगाएंगे 1 प्लस
और सिंपली हमें सॉल्व करके कंक्लूजन करना है, हमारा आंसर जो है आ जाएगा. इज दैट क्लियर? सर ये 2005 वाला क्या है सर? 2005 यानी कि 2003 से हमें कहा जाना है 5 में, और यहाँ क्या जाना था 2003 से 2001 में जाना. ओके सर. तो यहाँ पर हमारे पास n is equal to 2 और यहाँ भी n is equal to 2 ही रखेंगे. ठीक है, तो हमारा जो है कोई भी मामला गड़बड़ नहीं हो, तो इसे हम आसानी से हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की. सभी लोग ध्यान से, दो मिनट बचा बेटा, ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा तब तक जो है मैं आपको इसमें इसको होमवर्क देता हूं, मैं समझा देता हूं. लिखा है कि इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट. किसी भी लेबोरेटरी में यहाँ पर बैक्टीरिया की काउंट दिया गया है, वह जो है रेट क्या उसका 2.5% पर आवर के हिसाब से बैक्टीरिया बढ़ रहा है. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,6,000. The 5,6,000 उसका जो है count initially starting में था. तो देखिए 2.5% पर आवर के हिसाब से बढ़ रहा है और 2 घंटे में यानी कि हमारे पास n की वैल्यू हमारी हो गई 2, r की वैल्यू 2.5 और हमारे पास p की वैल्यू कितनी हो गई 5,6,000 rupees. आप इसके हिसाब से हम जो है इसे काउंट कर लेंगे और जो आपका आंसर आएगा वो जो है आप इसे ले सकते हैं. तो आपके पास जो है ये क्वेश्चन बचा हुआ है. और एक और क्वेश्चन है स्कूटर वाला, इसमें भी प्रिंसिपल दिया गया है 42,000, रेट दिया गया है 8% और 1 ईयर का पूछा जा रहा है. इसमें सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं. दोनों क्वेश्चन यदि आपसे हो जाएंगे तो आप मुझे भेज देंगे, अगर नहीं होंगे तो कल हम फिर से रिपीट करेंगे और फिर से इसे हम आपको बताएंगे. Is that clear? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है बेटा. अभी देखिए संख्या हमारी 32-33 तक गई, फिर घट करके 22 रह गई है. अभी देखो धीरे धीरे जो है ये स्टार्टिंग, यानी एक बार हमारा वेन डायग्राम यहां से चलता है फिर ऊपर जाता है फिर बच्चे जो है